मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में असमय हुई वर्षा के संबंध में किसान भाइयों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि प्रभावित सभी क्षेत्रों में सर्वे का कार्य शुरू किया जा रहा है। किसान भाइयों, चिंता मत करना, मैं और पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि बहन बेटियों के कल्याण के लिए मैंने अनेक कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निजी स्टाफ में तैनात महिलाओं ने ही वाहन चालक, सुरक्षा और फोटोग्राफर समेत अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभाली। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों की योग्यता पर हमें पूरा विश्वास है, इसलिए निजी स्टाफ में आज दिन भर मेरे साथ केवल बहनें हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश माध्यम के महाप्रबंधक श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह जी के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया और उनकी पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह जी अपने आप में पत्रकारिता का एक संस्थान थे। उन्होंने पत्रकारिता के अनेक विद्यार्थी गढ़े। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामलाल स्थित उद्यान में आंवला, गुलमोहर और अमरूद के पौधे लगाए। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने भोपाल एम्स में 5वें जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालकों को सम्मानित किया। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत के साथ मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 69 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली सरकारी आवास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने सीतामाऊ में अनुविभागीय स्तर की बैठक कर विभागवार कार्यों की समीक्षा की।